कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर देश में पेट्रोल डीजल रसोई गैस की बेतहाशा बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर एकत्र होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। मंगलोर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलोर बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से देश में महंगाई के सारे रिकॉर्ड भाजपा सरकार ने तोड़ दिए हैं। जब से यह भाजपा सरकार सत्ता में आई है, महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज पेट्रोल डीजल व रसोई गैस से लेकर खाद्य पदार्थों पर बढ़ती महंगाई से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कांग्रेस शासनकाल में पेट्रोल डीजल व अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री पदार्थों में महंगाई पर नियंत्रण था और देश के लोग कांग्रेस शासनकाल से खुश थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से देश की जनता को इन जुमलेबाजों की सरकार ने हर वर्ग के लोगों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने आज महंगाई का पुतला दहन किया, केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, दवाएं, मेडिकल ऑक्सीजन और सभी चीजें इतनी महंगी कर दी इस सरकार ने कि आम आदमी की कमर तोड़ दी और हालत बद से बदतर है। आम आदमी का जीना दूभर हो गया। उसके विरोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर सभी कार्यकर्ताओं ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी का और महंगाई का पुतला दहन